ये हिंदुस्तान का संविधान है, इसको बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन इस संविधान की रक्षा कर रहा है, इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था, 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं, इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं।